चीज को हमने कंप्लीट कर लिया था. तो एनीवन एनी हैविंग एनी डाउट इन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन आस्क. ओके तो सेदिनो जो क्वेश्चन ना पचल सर गला हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आसन पचरिया पे को क्वेश्चन ना पचल लो. हां पचल कोडा कहलो से जो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 3 बुझिया पे कहले ओ बुझिया पे ना मते फार्मूला ता मते कह देथिले ना कोनो n स्क्वायर पे फार्मूला ता कहले आया केमि त हबो कहले बुझे देबी फर्स्ट क्लास आसने. अच्छा अच्छा ठीक अछि. ओके तो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जहाँ हमारे पचाल बाबा तम ना कौन व्हाट इज योर नेम ब्रजेश्वर 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 ओके ब्रजेश्वर ठीक अछि. सो एनी ऑफ आवर ओल्ड स्टूडेंट कैन आस्क हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सब सेल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल. दिस इज योर क्वेश्चन हाउ मेनी नंबर ऑफ सब सेल्स आर प्रेजेंट इन अ सेल और हाउ मेनी ऑर्बिटल्स. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ओके हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ सेल. ओके so can anyone explain ek orbital ek subcell mein aur ek cell mein let it is a cell so ek cell mein aapka kitna orbitals honge maan lo aap main ek cell le raha hu cell number 3 main aapka cell number 3 le raha hu to usme aapka kitna orbitals honge koi mujhe explain kar sakta hai any old student no student jo one join karte no problem but old student jo one for a class atomic structure already karuchanti continuously so anyone गोटे ऑर्बिटल अच्छी आउ पी रो तीनटा ऑर्बिटल अछि आउ 0.5टा ऑर्बिटल अछि तो टोटल को सम अप कर देले सेटा 9 ऑर्बिटल हेबो. तो याकु एमटी एक्सप्लेन करा जइबो बट फार्मूला जति देखियौ ताहेले m स्क्वायर बेटा पडुसि 3 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9. वेरी गुड बेटा वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम बेटा कोन तमा ना इफसीता सिंह. इफसीता वेरी गुड. अच्छा ब्रजेश्वर समझ में आया आपको क्या बोला इफसीता ने आपको समझ में आया सर थोड़ा थोड़ा. देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस लोगों ने क्लास किया था आपने तो लेट में ज्वाइन किया इसलिए आपको थोड़ा डाउट हो रहा है लेकिन आई एम मतलब इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग माय इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन क्लास पर्टिकुलरली क्वांटम नंबर क्लास आफ्टर दैट यू विल नॉट हैव एनी डाउट लाइक दिस. ओके कोई इस तरह का डाउट नहीं आएगा आपका. तो देख लो जो इप्सिता ने कहा मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलता हूँ. देखो पहली बात आपको यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है n एवरी स्टूडेंट म्यूट योरसेल्फ अदरवाइज द क्लास विल होल क्लास विल बी डिस्टर्ब्ड. ओके सो प्लीज म्यूट योरसेल्फ व्हेन आई विल आस्क एनीथिंग यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल. ओके सो लेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n आपको दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और इसको हम बोलते हैं सेल नंबर. सेल नंबर कौन से सेल में आपका इलेक्ट्रॉन है उसको भी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था. ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ ब्रजेश्वर ब्रजेश्वर ने बोला कि सर मेरे पास सेल नंबर दिया गया है 3 तो उसमें कितना ऑर्बिटल्स रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक मिनट में करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है व्हाट इज दैट एन स्क्वायर. सो इजिली यू कैन कैलकुलेट एन इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स 9 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. बट ब्रजेश्वर ने पूछा कि सर उसको मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए. ओके तो जैसे इप्सिता ने उसको एक्सप्लेन किया उसी चीज को मैं अच्छे से बोल रहा हूँ देख लो सब. ठीक है तो मान लो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल नंबर n दिया गया है. ठीक है तो पहले हम देखेंगे हमारे पास सबसेल कितना बनेगा. व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेल कितना सबसेल बनेगा हमारे पास. तो सबसेल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए किस नंबर से हमें पता चलेगा कि हमारे पास सबसेल कितना होगा इस सेल के अंदर. So we need azimuthal quantum number. Student, azimuthal quantum number जो है वो आपको subcell तक ले जाएगा. वो आपको बोलेगा कि subcell कितने तरह का है इसके पास n में. ठीक है so l का जो value होता है वो 0 से लेके n minus 1 तक होता है. ठीक है 0 से लेके n minus 1 तक होता है. ठीक है 0 से लेके n minus 1 तक l का value होता है. तो यदि यहाँ पे n का value 3 दिया गया है यदि n का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है
देन एल का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 to 3 minus 1, सो 0 से 2 तक होगा. सो 0 से 2 तक मतलब कौन कौन नंबर आएंगे इसके बीच, 0, 1, 2. ब्रजो सर समझ में आ रहा है? आखिरी मिसाल क्वांटम नंबर 0 से n माइनस 1 तक होगा. तो यदि आप n माइनस 1 तक कंसीडर कर रहे हो तो मतलब 3 minus 1, दैट इज 2. तो 0, 1, 2 इस तरह से आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर आएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को करवा रहा था कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है एक पर्टिकुलर सबसेल के साथ. तो जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 है वो आपको ए सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका 1 है वो पी को रिप्रेजेंट करता है, जो उसका 2 है वो डी को रिप्रेजेंट करता है, और जिसका 3 है वो एफ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो जैसे हमें 0, 1, 2 मिला इस क्वेश्चन पे, एल का नंबर 0, 1, 2 है, तो उसका मतलब हमारे पास ए सबसेल होगा, पी सबसेल होगा और डी सबसेल होगा. यू नो व्हाट इज दैट मीन, दैट मीन्स देयर विल बी 3s, देयर विल बी 3p एंड देयर विल बी 3d. ब्रदर सर क्लियर? 3s, 3p, 3d. अच्छा, देन नेक्स्ट टेल मी इनसाइड द ए सबसेल व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल. ए सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? One. One. अभी पी में मुझे बोलो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? Three. तीन ऑर्बिटल्स. तीन ऑर्बिटल. अभी मुझे बोलो डी में कितना होता है? फाइव. 1, 2, 3, 4, 5. अभी मुझे बोलो टोटल ऑर्बिटल कितना बन गया तुम्हारा? 9. वेरी गुड. आंसर मिल गया? यस सर. यस. खुश? एनी क्वेश्चन? एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? नो सर. अच्छा, ठीक है. तो जैसे हमारे यहाँ पे तुमने तो नया क्लास ज्वाइन किया है, लेकिन इप्सिता मृत्युंजय, ओके, इप्सिता मृत्युंजय, सोनालिका, ये सब जो स्टूडेंट्स हैं, नॉट ओनली दिस स्टूडेंट बट आल्सो मेनी स्टूडेंट्स, दे हैव ऑलरेडी टेकन माय क्लास फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो इन लोग जिस तरह से आंसर दे रहे हैं, यू कैन आल्सो एबल टू गिव लाइक दैट आंसर. ओके, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा पढ़ना होगा मेरे से. इसलिए आप क्या करो, प्रीवियस का जो क्लास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो क्लास हुआ था, उस क्लास का रिकॉर्डिंग देख लो, नहीं तो जब एक्स्ट्रा क्लास होगा उसमें पढ़ लेना, उसके बाद ये सब डाउट नहीं आएगा. ठीक है? यस सर. नेक्स्ट चलते हैं बेटा. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत सारे बात किए थे, जितना भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था सबको डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, अच्छा, तो अब चलते हैं हमारे जो पढ़ रहे थे हम, हमारा पीरियोडिक टेबल में जहां तक पढ़े थे उससे पहले डिस्कस करेंगे. तो आज मेनी न्यू स्टूडेंट्स आप ज्वाइन, तो मैं पहले थोड़ा बोल देता हूँ कि क्या क्या हमने कंप्लीट किया है. ओके, थोड़ा समराइज करके उसको बोल देता हूँ, तो उसको थोड़ा कवर कर लेते हैं फिर से. ओके, तो हमने ऑलरेडी हिस्ट्री को कवर कर लिया था बेटा. ठीक है, जो सब नए स्टूडेंट्स हैं उसको मैं बोल देता हूँ कि हमने हिस्ट्री को कवर कर लिया था पीरियोडिक टेबल का. ओके, लाइक योर डुबेरिनस ट्रायड, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, टेलुरिक हेलिक्स, ओके, लूथर मेयर कर्व, ओके, ये सब चीज को हमने कवर किया था. मेंडेलिव्स ओल्ड पीरियोडिक टेबल को कवर किया था. उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किए थे. ठीक है, तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मैं थोड़ा बोल के उससे शुरू करता हूँ. ठीक है, उसको थोड़ा कवर कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं. ओके, टेल मी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एक लॉ के ऊपर बेसिस होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. लाइन, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? What is modern periodic law? Anyone? So many old students are present. New students तो हैं, लेकिन old students भी बहुत सारे हैं. So I think I can get my the answer. Physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic number. Very good बेटा, very good. What is your name? Answer बोलो, name भी बोलो, ताकि recognize हो पाए. मुझे भी नाम चल पता चलेगा. इतने बच्चे हैं, नाम पता लगने में थोड़ा दिक्कत होता है. इसलिए थोड़ा नाम पता चलेगा, नाम याद रहेगा तो अच्छा लगेगा. ओके, वेरी गुड बेटा. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? जैसे हमारे स्टूडेंट ने बोला कि सर, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो सब एलिमेंट्स होते हैं उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर द पीरियोडिक, दे पीरियोडिसिटी शो करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर से उनका प्रॉपर्टीज एक पीरियोडिसिटी, एक
मतलब उनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है एटॉमिक नंबर और उनके प्रॉपर्टीज के बीच, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो जो रिलेशन बनता है, वो जो ट्रेंड बन जाता है वहां पे, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, ठीक है। सो उसको आप इतना अच्छे से बोल सकते हो, बुक तो है हमारे पास, ठीक है। आप विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर देयर विथ यू, सो यू कैन गो फॉर दैट। तो जहां चाहिए मैं उस चीज को बता रहा हूँ, तो इतना बड़ा डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा आपको। तो बोल देता हूँ कि जो आपका मॉडर्न पीरियडिक लॉ होता है उसको यदि आप अच्छे से बोलोगे तो इस तरह से होगा। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये होता है आपका मॉडर्न पीरियडिक लॉ, ठीक है। तो अच्छा मुझे बोलो, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं? इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। यस, सो सेवन, वेरी गुड। देयर आर सेवन हॉरिजॉन्टल रोज। ओके, देयर आर सेवन हॉरिजॉन्टल रोज। यहाँ पे आप देख सकते हो सेवन है या एट है, क्या है? सेवन। ओके ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ओके, सो सेवन हॉरिजॉन्टल रो। डोंट कंसिडर दिस टू, डोंट कंसिडर दिस टू। तो वी हैव सेवन हॉरिजॉन्टल रो, दैट इज कॉल्ड एज द पीरियड्स, पीरियड बोलते हैं हम उसको। और यहाँ पे आपका 18 वर्टिकल रोज है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपका 18 वर्टिकल रोज है। दैट मीन्स द वर्टिकल रोज रिप्रेजेंट्स योर ग्रुप्स, दैट मीन्स 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स विल बी देयर, 7 पीरियड्स विल बी देयर। एंड हाउ मेनी ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स होते हैं? चार ब्लॉक होता है। एक होता है यहाँ पे एस ब्लॉक, ये हो गया आपका पी ब्लॉक, दिस इज योर डी ब्लॉक, एंड लास्ट टू दिस टू दे आर एफ ब्लॉक। जल्दी जल्दी में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये सब हमने कवर कर लिया था, तो बहुत ही बेसिक चीज है ये सब, ठीक है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। स्टूडेंट्स, हमने ये भी डिस्कस किया था, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स आपके होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक। ओके, ग्रुप वन से लेके टू, ग्रुप वन, ग्रुप टू एंड विथ ग्रुप थर्टीन, ग्रुप थर्टीन टू ग्रुप एटीन, ग्रुप थर्टीन टू ग्रुप एटीन, टुगेदर दे कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट। सब लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी बेसिक थिंग, यस सर, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत ही छोटा छोटा चीज है, सबको पता होना चाहिए। ग्रुप वन टू विथ ग्रुप थर्टीन टू ग्रुप एटीन, टुगेदर दे कॉल्ड एज योर व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट। सिमिलरली ग्रुप 12 से, सॉरी ग्रुप 3 से, यदि आप यहाँ पे ग्रुप 3 ले रहे हो और यहाँ से ग्रुप 12 तक, ठीक है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पीरियड्स होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन ब्लॉक। ओके, डी ब्लॉक, और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट। Why we call it as transition elements? क्यों बोलते हैं transition element? Because यहाँ पे जो आपका S block है, जो transition D block जो आ रहा है, वो किसके बीच में है? S block के बीच में है और P block के बीच में है। And you know that in your S block maximum number of metals are there, strong metals. But in your P block there is the presence of weak metals as compared to your S block elements. ठीक है? S block में जिस तरह से यहाँ पे आपका strong elements होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, वैसे पी ब्लॉक में आपका थोड़ा वीक मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा रहता है पी ब्लॉक में, ठीक है, एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में तो सारे यहाँ पे मेटल्स चले गए, तो वहां पे आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी चला जाता है। तो एज द एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन योर ग्रुप ब्लॉक बी, देयर प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड दे आर ऑसिलेटिंग बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टू ब्लॉक्स, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। So that we are calling these elements as the transition elements. उसको हम transition element बोलते हैं, ठीक है। तो question यहाँ पे entrance पे कुछ नहीं आएगा बेटा, बहुत simple चीज, ये सब question आपको नहीं पूछेगा वो। So this is your transition element. D block elements are called as transition element. And last one is your F block. F block आप देख रहे हो, जो डिकेबल के नीचे तो, उसको हम बोलते हैं F block. So sound.
sound should be. Yes. Hello. Yes, sir. Now audible. So A block is called as your inner transition elements. इसको हम बोलते हैं inner transition elements. Okay. So क्योंकि transition element के बीच से हम elements को लेके यहाँ पे A block बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे inner transition elements. Hello. Sound Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Some network problem, I think. मजरे टिकटे network problem solve करो जी. So ठीक के manage करो. म्यूट ही जाओ समझते हैं, म्यूट हो, म्यूट ही जाओ समझते हैं, म्यूट योरसेल्फ. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पीरियोडिक टेबल. एस ब्लॉक के बारे में हमने बात किया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं, सबके बारे में हमने देख लिया. अभी हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सिखाया था कि आपको एक यदि एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है, यदि देयर इज अ एटॉमिक नंबर एंड यू हैव टू फाइंड आउट That atomic number will belongs to which group, which period and which block. ये बताया था मैंने आपको, ये concept बताया था जो नए लोग हैं उनको नहीं बताया था, वो तो अभी जान के हैं, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको बताया गया था कि कैसे आपको ग्रुप्स कैलकुलेट करना है, ब्लॉक कैलकुलेट करना है, पीरियड कैलकुलेट करना है. ठीक है, सबको याद है? पूछूंगा तो आएगा. कलीम, मृत्युंजय, मालूम रहना जरूरी है. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि एटॉमिक नंबर यदि दे दिया जाता है तो कैसे हम पता करें कि वो पीरियोडिक टेबल में कहां होता है, कौन से ग्रुप में होता है, कौन से पीरियड में होता है, कौन से ब्लॉक में होता है, तो ये उनको नहीं मालूम होता है. लेकिन क्वेश्चन ही आ जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है. ओके, जो लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो, ओके, मैं सबको बोलना चाहता हूँ आप एनसीईआरटी को फॉलो करो अच्छे से. ठीक है, उसके एग्जांपल देखो, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखो, एनसीईआरटी एग्जांपल और जो आता है उसको देखो. ठीक है, और एक बात आपने देखा होगा, अभी अभी जो नया एनसीईआरटी सब आ रहा है उसमें क्यूआर कोड आता है, फर्स्ट पेज में क्यूआर कोड आता है, ऊपर आ रहा है ना, सामने देखा है. एनसीईआरटी में आपका जो अभी नया एनसीईआरटी आ रहा है, सभी टॉपिक्स के ऊपर वहां पे क्यूआर कोड देता है. हाँ सर, हाँ, वहां पे एक बार कोड या क्यूआर कोड यहाँ पे देता जाता है, तो उसको स्कैन करके जो एक्सट्रैक्ट उसमें दिया गया है एनसीईआरटी के तरफ से उसको भी फॉलो करो. ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन उठाओ, जो कॉन्सेप्ट वहां पे उन्होंने बोला है, वहां पे आई थिंक वीडियोस होते हैं और कुछ नोट्स होते हैं. ओके, तो वहां पे उसको देखो, क्वेश्चंस भी होता है वहां पर. ठीक है, तो उसको देखो, एनसीईआरटी को टोटली एक्सट्रैक्ट करो. ठीक है, जो जो चीज एनसीईआरटी में दिया है उसको कवर करो एकदम. ठीक है, एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम योर इनऑर्गेनिक एंड योर ऑर्गेनिक. फिजिकल के लिए आपका एनसीईआरटी इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिजिकल के लिए आप एक काम करना, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा क्लास में उसको देखो और जाके न्यूमेरिकल्स बनाओ. एनसीईआरटी से आप फिजिकल के लिए क्या करोगे, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है और जहां पे इसका इनटेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसको करो, और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोस्ट इंपोर्टेंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें से जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट एनसीईआरटी वहां से उठाता है. ठीक है, एनटीए वहां से क्वेश्चन उठाता है डायरेक्ट एंट्रेंस के लिए. ठीक है, तो उसको कवर करो. जो भी एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, एनसीईआरटी शुड बी योर बेसिक्स, एनसीईआरटी शुड बी योर बेसिक्स. बच्चे पढ़ते नहीं है, सोचते हैं एनसीईआरटी में क्या है, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन डाल देता है, तब बच्चे बोलते हैं सर हमने इतने साल प्रिपेयर किया तभी भी हमारा एंट्रेंस लग नहीं रहा है, क्या करें. तो जो बेसिक्स है उसको क्लियर करो. ठीक है, नेक्स्ट जाके कोई अलग वही पढ़ना कि अलग पुस्तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट योर एनसीईआरटी, योर क्लास नोट एंड योर एमसीक्यू, दैट मच एनफ टू क्रैक योर एग्जाम, नॉथिंग एल्स. ओके, ठीक है, तो बात करते हैं कैसे हम एक एटॉमिक नंबर यदि दे दिया जाता है तो कैसे हम उसको देखें कि उसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर कैसे होगा. ठीक है, अच्छा मान लो मेरे पास, मैंने एक एटॉमिक नंबर ले रहा हूँ, छोटा सा एटॉमिक नंबर लूंगा, मान लो मेरे पास एक एटॉमिक नंबर दिया गया है 30, सबको समझ में आ रहा है, 30 दिया गया है एटॉमिक नंबर. ठीक है, मुझे पता नहीं ये किसका कौन सा एलिमेंट है 30 का, ये छोटा एलिमेंट है तो सबको पता है. ठीक है, लेकिन जो भी आपको पूछता है वो 80 से बाद का पूछता है,
जो भी एलिमेंट आपको पूछता है वो एटॉमिक नंबर 80 के बाद पूछता है, 80 के बाद बड़ा बड़ा नंबर पूछता है आपको, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले करा रहा हूँ तो छोटा से करा रहा हूँ, जिसको पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता फिर से देख लो, ठीक है। तो मान लो आपके पास एटॉमिक नंबर 30 दिया है, सबको पता चल रहा है, ठीक है, आगे चले। यस सर, यस सर। ओके, तो स्टूडेंट यदि आपको एटॉमिक नंबर दिया है, पूछा गया है पीरियड कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, तो उसके लिए पहला स्टेप है आपको पहले इसका ठीक से सटीक तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो टेक्निक आपको सिखाया गया है उसी तरह से लिखना है हमें। क्या करना है, किसके बीच में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, कौन से किसके बीच में? आर्गन, आर्गन लिख लो। 18 चला गया यहाँ पे बेटा, म्यूट हो जाए तरह आवाज होगी, बहुत ये आवाज होगी। आर्गन 18, सो 30 से 18 चला गया, वेरी गुड, 30 से 18 चला गया, सो हियर इट इज 12, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 4s2 3d10, वेरी गुड, 4s2 3d10। अच्छा ये हो गया, लेकिन अभी भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक से नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसको अरेंज करना है बेटा, अंदर वाले को बाहर वाले को बाहर छोड़ना है, ठीक है, 3d10 फॉरेस्ट सेल में रखना है। साउंड तो हमें जाऊ जी। हेलो, यस सर। ओके, जो जगह कमी वो सेंसेशन कोई होला कारण नेटवर्क प्रॉब्लम टिके रहू छी बाबा। देखो तो आर्गन रहला तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन हो, आर्गन देन 3d10 देन 4s2 ये वाला तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा सारा में लिखे दलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट कौन करिबा? नेक्स्ट स्टूडेंट वी विल गो फॉर पीरियड, कौन से पीरियड में ये एलिमेंट आ रहा है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम पीरियड को देखेंगे, पीरियड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ब्लॉक और ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। उसका एक मतलब सीक्वेंस होता है, पहले पीरियड, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद ग्रुप, लास्ट में ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। तो पीरियड के लिए आपको क्या करना होगा, लिख लो, जो सब लिखने चाहते हो लिख लो, जिसने लिखा है तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखा है फिर से लिख लो। पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छे से सुनो, पीरियड को आपको कैसे पता लगेगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंसी सेल। ओके, वैलेंसी सेल का जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही रिप्रेजेंट करता है आपका पीरियड नंबर। तो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखोगे तो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d10 4s2, तो और वैलेंसी सेल इज 4s सब सेल। तो यहाँ पे 4s में आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4. So that means your period is equal to 4. सबको पता चल रहा है, नए बच्चों को पता चल रहा है सर? हाँ बेटा बोल सर, बोलो बोलो। फिर डेफिनेशन क्या हुआ? डेफिनेशन एक बार फिर। अच्छा डेफिनेशन नहीं है बेटा, वो डेफिनेशन नहीं है, वो लिख लो पीरियड कैसा कैलकुलेट करना है, थोड़ा ही डेफिनेशन है। डेफिनेशन मत बोलो, मुझे लगता है मैंने कोई डेफिनेशन तुम्हें, कोई 12th का क्लास मैंने कर रहा हूँ मैं, बोर्ड का क्लास, इसलिए डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं चाहिए बेटा। वो लाइन लिख ले किस तरह से उसको पीरियड निकालना है। सो पीरियड ऑफ द एलिमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंसी सेल, ठीक है। जो वैलेंसी सेल होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा दैट विल रिप्रेजेंट इट्स पीरियड। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा 4s2 जो है ये उसका वैलेंसी सेल है, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, तो पीरियड इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट बच्चों कैलकुलेट करेंगे ब्लॉक, पीरियड के बाद कैलकुलेट करेंगे ब्लॉक। तो ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट लिख लो आप सब लोग, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट इट इज प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल व्हिच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छे से बोल रहा हूं लिख लो, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सब सेल, सबसेल में बोल रहा हूँ, सबसेल व्हिच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसेल लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है वो रिप्रेजेंट करता है पीरियड। तो फिर से चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर से चलते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा सबसेल लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? डी
डी कैसे बेटा, वो तो अंदर है, एस एस डी अंदर है, फोर एस तो बाहर है, डी होगा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक होगा। सर ने कंफ्यूज करवा दिया, कंफ्यूज हो गए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए बेटा, कहाँ पे जा रहा है, एस या डी में? डी में। वेरी गुड, जो एस बोल रहा है वो गलत हो गया, उसमें जो एस बोल रहा था वो गलत हो गया। हाँ हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, वो डी में जा रहा है, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने फर्स्ट में बोल दिया। अरे बेटा डी में होगा क्या, एस में जाएगा ना, तो आधे बच्चे ने बोला सर एस हो जाएगा, सर ने बोल दिया तो एस हो जाएगा, ऐसे थोड़े होता है। कॉन्फिडेंट रहो अपने आंसर पे, कॉन्फिडेंट रहो। सो सुनो, पीरियड ऑफ द एलिमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हाट, बाय द सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन। अरे बेटा जो जिसका ये साउंड आ रहा है उसको क्लोज करो। हाँ सर, क्लोज करो इसे, क्या इस तरह से कोई आवाज हो रहा है, देखो सबका डिस्टर्ब हो रहा है, जिसका आवाज आ रहा है इधर उसका आवाज जो आ रहा है, जब बोल रहे हो बोल के ऑफ कर लो माइक को, नहीं तो टोटल कंटिन्यूस चलता है, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा है मैं भी नहीं सुन पा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जो सबसे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसको हम बोलेंगे दैट इज द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। तो यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम जब कर रहे थे तो किस तरह से कर रहे थे, आर्गन, तो उसके बाद हमने किया 4s2 और लास्ट में हमने किया 3d10, लास्ट में हमने किया 3d10। तो उसका मतलब जो डी सबसेल है वो आपका इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, डी सबसेल आपका इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, 3d सबसेल। ओके, तो यहाँ पे जो सबसेल इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसी के हिसाब से ब्लॉक का नाम किया जाता है। तो डी ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक। वेरी गुड, सिंपल सिंपल। ब्रजेश्वर समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है तेरे को, ठीक है, देख लो, डी ब्लॉक हो गया हमारा, डी ब्लॉक। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ब्लॉक हो गया, पीरियड हो गया, अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बेटा ग्रुप में थोड़ा दिक्कत होता है, ग्रुप में क्या दिक्कत होता है, क्योंकि थोड़ा याद रखना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा चीज याद रखना पड़ता है। ओके देखो, सो ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको देखना होगा कौन से ब्लॉक में आपका एलिमेंट निकल रहा है। जैसे यहाँ पे डी ब्लॉक का निकल रहा है, डी ब्लॉक के लिए थोड़ा अलग रूल होता है। यदि यहाँ पे एलिमेंट आपका एस ब्लॉक में निकल रहा है तो उसके लिए थोड़ा अलग रूल होता है। यदि उसी तरह से आपका एफ ब्लॉक में या डी ब्लॉक में या पी ब्लॉक में, कहीं पे भी जिस ब्लॉक में आपका एलिमेंट निकल रहा है, सबके लिए थोड़ा अलग अलग रूल होता है, ठीक है। तो मान लो जैसे हम बात कर रहे हैं अभी एस ब्लॉक में, मान लो आपका एलिमेंट एस ब्लॉक में है, तो यदि आपका एलिमेंट एस ब्लॉक में रहता है देन द ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आ रहा है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दैट विल रिप्रेजेंट द ग्रुप नंबर इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, इन केस द एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, यदि एलिमेंट आपका पी ब्लॉक में रहता है देन द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग फुल में लिखो इसको। यदि यहां पे आपका एलिमेंट पी ब्लॉक में रहता है तो आपका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किसके लिए है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए इस तरह से हम निकालते हैं ग्रुप। आगे चले। यस सर। नेक्स्ट, यदि आपका एलिमेंट डी ब्लॉक में होता है, यदि आपका एलिमेंट डी ब्लॉक में होता है तो उसके लिए कैसे निकालोगे ग्रुप, लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। That is equal to number of electron in n minus 1 d subcell in n minus 1 d and ns, n minus 1 d and ns subcell, ठीक है। तो यदि आपका एलिमेंट डी ब्लॉक में आ रहा है तो उसके लिए आपका ग्रुप नंबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
number of electron in n minus 1 d subcell and n s subcell. n minus 1 d subcell में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको लोगे और n s में जितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको लोगे. दोनों का जितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको ऐड करना है. जितना होगा दैट विल रिप्रेजेंट द ग्रुप नंबर ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट. क्लियर हो रहा है सबको? यस सर. अभी मुझे बोलो जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ग्रुप एटॉमिक नंबर 30 का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था आर्गन 3d10 4s2. अच्छा अभी मुझे बोलो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, क्योंकि ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है. सबको समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे मैंने बोला n माइनस वन डी और एन एस, तो यहाँ पे 4s, यहाँ पे n का वैल्यू 4 है और यहाँ पे n का वैल्यू 3 है. तो मतलब 4s और 3d में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 10 10 प्लस 2, दैट इज योर 12. सो व्हाट इज योर ग्रुप नंबर? 12. अभी चले आओ पीरियोडिक टेबल में चले आओ. देखो तो 30 जो इसका है वो है आपका फोर्थ पीरियड में है. सब चेक करो हु इज द एटॉमिक नंबर 30 जो इसका है एलिमेंट कौन है वो 30 किसका है? जिंक. चेक करो तो जो जो हमने निकाला जिंक के लिए वो सब ठीक है. यस सर. देखो यहाँ पे पीरियड यहाँ पे आपका 4 है, पीरियड 4 में आ रहा था, ये डी ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है. ग्रुप इसका 12 है, ठीक है. सब लोगों ने समझ लिया? किसी का दिक्कत है? एनी डाउट? सर एफ ब्लॉक के लिए करना पड़ेगा. हाँ वही. अच्छा कलीम पूछ रहा है ना? कलीम. यस सर. सर उसका तो एक ही ग्रुप होगा ना. वेरी गुड. पूछा मैंने अभी पूछने वाला था. स्टूडेंट ने क्यों नहीं पूछा कि ए ब्लॉक में सर आपने क्यों बात नहीं किया, ए ब्लॉक में कौन सा ग्रुप होगा, आपने तो कुछ भी बात नहीं किया ए ब्लॉक के लिए. तो स्टूडेंट्स यदि आपका कोई भी एलिमेंट ए ब्लॉक में आता है देन उसका ग्रुप कोई भी नहीं होगा. ए ब्लॉक हैज नो ग्रुप. लिख लो ए ब्लॉक हैज नो ग्रुप. ए ब्लॉक का कोई ग्रुप नहीं होता है क्योंकि उसको हम पीरियोडिक टेबल से निकाल के नीचे रखे हुए हैं. दो अलग सीरीज बना के उनको बनाए हैं ए ब्लॉक, तो वहां पे कोई भी ग्रुप नहीं होगा. तो लिख लो एफ ब्लॉक हैज नो ग्रुप. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट? नो सर. हेलो हेलो. ओके हेलो. ये इट इज ऑडिबल टू मी? ऑडिबल टू मी? मोबाइल से ऑडिबल होता? यस सर. यस सर. यस सर. ओके यस सर. अच्छा एबे जदी गोटे दिया जीवो इफ आई विल यदि गोटे एटॉमिक नंबर वर्तमान दमु जदी दिया गला कैन यू डू इट? साउंड आसुन? हेलो हेलो. साउंड आसुन? ओके. सो यदि मैं आपको यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर देता हूँ तो क्या आप उसका ग्रुप ब्लॉक और पीरियड निकाल सकते हो अभी? एवरीवन? ओके ओके. सो इफ आई विल गिव यू द एटॉमिक नंबर 55, एटॉमिक नंबर 55, फाइंड आउट इट्स ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड. जल्दी से चैट बॉक्स में दो क्योंकि 23-24 स्टूडेंट हो, एक साथ बोलोगे तो पता नहीं चलेगा. आपका चैट में दो, मुझे दो, प्राइवेटली मुझे दो, क्योंकि सबको दिख लेगा तो कोई उसको दिख के लिख लेगा. तो मैं चाहता हूँ सब सीख के जाओ यहाँ से, ठीक है? तो 55 है आपका एटॉमिक नंबर, मुझे चाहिए ब्लॉक पीरियड और ग्रुप, सब निकाल के सेंड करो. चिन्मय? चिन्मय सरवान लिखी पठा सब तो एक संगे बाहर करो. ब्लॉक पीरियड ग्रुप सब एक संगे बाहर कर पठाओ. गोटे गोटे कह ना सब तक मिस कह गोटे चार्ट लिख दे ब्लॉक दिस पीरियड दिस ग्रुप दिस. वेरी गुड मृत्युंजय. सर यस यस मु देखु कहया दरकार नहीं मु जानी पड़ी मु लास्ट रे डिस्कस करी. मृत्युंजय कलीम वेरी गुड. नेक्स्ट ओके सुपर शुभप्रिया वेरी गुड. एवरीवन इप्सिता वेरी गुड.
ब्रजेश्वर वेरी गुड बेटा. संतोष वेरी गुड. चलो 1 2 3 4 5 6 7. So 6 or 7 students have sent their answer. Still there are 23 students in the meeting. I want answer from everyone. आंसर नहीं आएगा तो पता चलेगा कि अच्छे से समझ नहीं रहे हो, तो मुझे बताना पड़ेगा कि कहां से समझ में नहीं आ रहा है. जिसको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगा कहां पे समझ नहीं आ रहा है, सो दैट वी विल डिस्कस, उसको पॉइंट आउट करेंगे. साहिल करू सर? हाँ करे करे. अविनाश बाबा बुझी पार्छ? अविनाश हेलो सर. अविनाश बुझी होची सर? ठीक होसु जाउची सर. नेक्स्ट क्लास नथिली त तर टी देखुची. अच्छा अच्छा. नाही नेक्स्ट क्लास तो दरकार नाही, एबे जोडा बुझिलो सेटा बुझी पर्छ त? हां हां सर एबे तो बुझी होची करू. हां बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रे टिके डाउट रहउथबो, जवान सब नुआ तांको टिके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रे डाउट रहउथबो, बाकी अन्य सब जिंस बर्तन जति बुझाला सेती बुझिलो त? यस सर एबे जालो सब बुझिलो. बस सेती दरकार हमरो, सेटु बाहर करयो चेष्टा करो. ओके चिन्मय चिन्मय बाबा म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ. सर फोटो उठे कोडी पठी? अरे फोटो नो रे बाबा, से चैट बॉक्स नहीं तो देखो ना, से जूम रे चैट बॉक्स थिबो जें पिलान पठो चंदी. आ फाइल पे. हां ना ठीक अछि हैला, ठीक अछि. ओके सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव सेंड देयर आंसर. संकेतिका वेरी गुड. So still some students are not saying the answer. Sima, Sima, Saswati, Shweta, Shweta, she is not responding. Shweta, beta, samajh mein nahi aa raha hai kya? Sir, aa raha hai. Beta, answer send karo. Nahi to mujhe kaise pata chalega ki pata chal raha hai ya nahi sabko? सब लोग कर रहे हैं. जो भी आपको आ रहा है, जो भी आपको आ रहा है, ठीक हो या गलती हो आप करो. मैं उसको जब समझाऊंगा अभी तो वहां से पता चलेगा कि आपने गलती कहां पे किया है. ठीक है? नहीं तो करेक्ट कैसे होगा? ट्राई आउट करो, सब चुप ट्राई आउट करो. वेरी गुड. सरस्वती सेंड योर आंसर. रुद्र रुद्र यस सर. अरे रुद्र सेंड करना आंसर तो कहीं आंसर कहीं चिन्मय. यस सर. बाबा न्यू स्टूडेंट? यस सर. अच्छा अच्छा बुझी पारलो बर्तन जो क्लास रे बर्तन कोची बुझी पारछ? आज्ञा सर. अच्छा केमी दी पीरियड ब्लॉक ग्रुप कैलकुलेट करिबा बेबी जो दै 3 नंबर ता कैलकुलेट करि पारलो? आज्ञा सर. अच्छा आंसर ता पठेनो ब्लॉक 5 पीरियड 6 ग्रुप 1. अच्छा ब्लॉक 5. ब्लॉक 5 कोन? ब्लॉक तो 5 कोन? ब्लॉक तो हमरो एस ब्लॉक नले डी ब्लॉक नले पी ब्लॉक की ए ब्लॉक हबो. 5 कोन से जगह बाहर करलो? देखो चेक करा उधर सेट पे कोइले आंसर पठाओ सो दैट आई विल चेक नले जानिबे केम दिमु. ओके सर सर देखिले एस 61. अरे अरे मु जाउ जी रह रह तू रखित आंसर रखित मु डिस्कस करू छी कॉलेज जानिबा हला नले जण जण कर देखिले टाइम पड़ेबो. देखो मुझे जो जिनसे डा कोई नहीं सर, मुझे कर चुके देखो जो मैंने करी जो तुम्हारा ठीक हो ची अदर जो जो मैंने करा नौ बाला सती की सो देख तुम्हें देखो कोई जगह तुम्हारा भूल आला. ओके सो यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर दिया है 55. तो पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? वेरी गुड. ज़ेनॉन 6s1. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 55 एटॉमिक नंबर 55. अच्छा सर हमने लिख लिया एटम हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया. तो पहले चलते हैं पीरियड कैलकुलेट करने. तो पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल. क्या है वैलेंस सेल? कौन है मुझे बोलो वैलेंस सेल कौन सा है? 6s. तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 6. ओके तो यहाँ पे लिखो 6. ओके सो योर पीरियड इज योर 6. तो पीरियड यहाँ पे आपका 6 बन गया. अभी आप चलते हैं क्या निकालने के लिए? ब्लॉक.
तो ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं, तो ब्लॉक क्या होगा बोलो, इसे लिख लो एस ब्लॉक, हमारा ये हो गया ज़ेनॉन 6S1। तो यहाँ पे आपका ब्लॉक कैलकुलेट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा सबसे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, एस सबसे रिसीव कर रहा है, तो उसका मतलब आपका जो ब्लॉक हो गया वो हो गया एस, हो गया आपका एस। ठीक है, अभी चले आओ ग्रुप निकालने के लिए। ग्रुप क्या है, एस ब्लॉक के लिए मैंने आपको क्या बोला था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके एटॉमिक नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो हमने लिखा था 6s1, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वेरी गुड, या वन है, दिस इज योर वन, सो योर ग्रुप नंबर इज वन। तो मुझे बोलो एलिमेंट कौन सा होगा, सीजियम। हेलो सर, बहुत शुभ ओके, तो सीजियम का निकला, वो सब जो निकाले हम पीरियड ब्लॉक और ग्रुप उसके लिए सब ठीक है ना, यस सर। ओके, और एक दूंगा करोगे, यस सर, ठीक है ना, क्या सब आएगा, कॉन्फिडेंट है ना, आएगा सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे लिए एक ही कर दो, लास्ट में दे रहा हूँ, ठीक है, लास्ट वाला, बहुत सारे हमने कर लिया है, आई थिंक ये आपको आएगा अभी, ठीक है, तो एक लास्ट कर लो, तो यहाँ पे आप बना लो, एक दे रहा हूँ 39 का बनाओ, 39 एटॉमिक नंबर 39 का बनाओ जल्दी से, जैसे किया था सबने करो, साइन करो जल्दी, 1 मिनट विल बी देयर, और टाइम नहीं, 1 मिनट। श्वेता, यस सर, समझ में आया आपको, यस, ओके, सुकन्या, यस सर, बेटा न्यू स्टूडेंट की, हाँ सर, 4 क्लास पर छे बजे, ताले ठीक अछि, क्लास तो कॉलोनी माने धरी परथु हो कोन नै कि, हाँ सर, ओके नो प्रॉब्लम बेटा, आओ के बाकी रहला, सरस्वती, ओके ब्रजेश्वर, चिन्मय बुझी उजी तो, यस सर, बुझी पाल, ओके ओके, 35 तापरे डी 35D सर, 35D, ओके ठीक अछि, ओके 1 मिनट, सो आई विल गिव यू 1 मिनट, सो जल्दी फास्ट, ओके ओके मु देखि पार्छ बेटा, ठीक अछि, किछि प्रॉब्लम नै, तम समस्त आंसर तम पाखे रखो हला, मु देखु छी बेटर जदि पठेबो मु जानि परबी, जदि न पठो जो निज पाखे आंसर रखो, किंतु चेक करो जे जोटा मु करौ छी जे सेटा ठीक अछि कि तम जोटा करि जो ठीक अछि ना नै, चेक करो तब, ओके सो 1 मिनट खतम, जिबा करबा, देखो 1 मिनट टारगेट, देखो नेक्स्ट क्या दिया था हमने यहाँ पे आपको, एटॉमिक नंबर 39 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, क्या लिखेंगे 39 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टॉन 41 ओके, सो क्रिप्टॉन हो गया यहाँ पे आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो 4 नंबर पे आता है, तो 5 से शुरू होगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 5s2, कितना 3D1 ओके, रुको थोड़ा, ये कॉल आ गया, उसको थोड़ा निकालते हैं, थ्री डी डिस्कस करे तो करने में अच्छी, वेट ओके, सो क्रिप्टन 5s2, उसके बाद आएगा आपका NS में जाने के बाद वहां पे जाता है किसमें, N-2F में, तो N-2F तो है नहीं यहाँ पे, तो N-1D, तो आएगा यहाँ पे 4D में, 5S2, उसके बाद 4D1 सर, इसको हम अरेंज करेंगे, मतलब सर आपने आप बोले थे ना पहले, जिस पहले जो आता है उसको पहले रखेंगे, 4D को रखेंगे उसके बाद, हाँ आगे पहले लिख लो इसको, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जिस तरह से आपको बताया गया है उस तरह से लिखो,
उसके बाद उसको अरेंज करो, ठीक है? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे किसको पहले लिखना है किसको बाद में। पहले जिस तरह से टेक्निक आपको बताया गया है, पहले NS, उसके बाद N-2F, उसके बाद N-1D, उसके बाद NP, इस तरह से आप लिख लो पहले, ठीक है? उसके बाद आप उसको अरेंज करो, जो आपका बैलेंसी सेल है जिसका N ज्यादा है उसको बाहर ले आओ, जिसका N कम है उसको अंदर ले लो, उसके बाद वाला काम है ये, ठीक है? तो पहले इस तरह से करो, 5S2 4D1 हो गया। अभी इसको अरेंज करके लिखते हैं, 4D को पहले लिखेंगे उसके बाद 5S को लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका बनेगा क्रिप्टन बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, 4D1 5S2। बुझेला सब लोगों को? समझ में आ रहा है? अभी मुझे बोलो जल्दी जल्दी, पीरियड पीरियड कौन सा होगा? व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? पीरियड बन जाएगा 5। क्लियर? वॉइस नहीं आ रहा। ओके, सो सी हियर, नेक्स्ट इज योर टू कैलकुलेट द ब्लॉक। ब्लॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द सब सेल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर से, तो कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन ले रहा है? कौन लास्ट इलेक्ट्रॉन ले रहा है? वेरी गुड, कोई भी गलती से मत करना। यस, 4D आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 4D1 हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे आपका ब्लॉक बन जाएगा डी ब्लॉक, ठीक है? ओके, तो अभी मुझे बोलो आपका ग्रुप नंबर कितना होगा? 3। ओके, 3। ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे? दिस इलेक्ट्रॉन प्लस दिस इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, सो 1+2 दैट इज योर ग्रुप 3, ठीक है? Yes, sir. Okay. चेक करो यहाँ पे, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिया गया है, जो सब निकला वो ठीक है या नहीं चेक कर लो। ठीक है, ऑल आर कॉन्फिडेंट एनफ? इस तरह से यदि एंट्रेंस में क्वेश्चंस आता है तो कर पाओगे? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आके देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आके देखो, इस तरह का जो भी क्वेश्चंस है उसको करो। यदि इस फॉर्मेट में आपको करने में कहीं पे भी दिक्कत होता है तो मेरे पास लेके आओ। सर ये क्वेश्चन आपके मेथड से नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन, इसको आप करवाओ फिर से, किस तरह से हम इसको करें, ठीक है? यस सर। देखो नेक्स्ट चलते हैं, तो हमने ब्लॉक के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया था, प्रीवियसली हमने ऑलरेडी ब्लॉक्स ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में हमने बात कर लिया था। नेक्स्ट हम चलेंगे, बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक मैंने आपको ये नहीं बोला था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, S ब्लॉक के लिए, P ब्लॉक के लिए, D ब्लॉक के लिए, F ब्लॉक के लिए, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये मैंने आपको बोला था? नहीं सर। ओके, देखो सर, अच्छा तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, ठीक है? तो एवरी ब्लॉक का आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, ठीक है? ना चर्च हेलो सर ठीक है सॉरी कॉल आसी वाला ठीक है देखो देखो सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपका एक एलिमेंट एस ब्लॉक में है या पी ब्लॉक में है या डी ब्लॉक में है या एफ ब्लॉक में उसके लिए आपको उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना होगा ठीक है मान लो यदि आपका एलिमेंट एस ब्लॉक में है यदि आपका एलिमेंट एस ब्लॉक में है तो उसके लिए आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2 ये होता है या नहीं एस ब्लॉक में कौन होता है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम ये होता है आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में होता है आपका बेरी
हेलो यस सर देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट इज NS1-2 ओके तो यहाँ पे आपका ग्रुप वन जो होता है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम दिस इज योर ग्रुप वन एंड योर ग्रुप टू इज बेरिलियम मैग्नेशियम कैल्सियम स्ट्रोंसियम बेरियम एंड रेडियम लास्ट वन ओके तो जो आपका है यहाँ पे आपका ग्रुप वन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और यहाँ पे आपका ग्रुप टू का होता है NS2 ठीक है तो आपका यदि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें एस ब्लॉक का तो ये होगा NS1-2 तो इसको बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा आई थिंक जेई मेन में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना वहां पे एक इस तरह से क्वेश्चन आया था और वहां पे नीट में भी क्वेश्चन आया था ओईवीटी आईआईसीआर नाइजर में भी इस तरह से क्वेश्चन आता है ठीक है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट का यदि आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे देन इट विल बी NS2 NP126 वेरी गुड NS2 NP126 क्यों ऐसे हम बोलते हैं क्योंकि बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप देखोगे पर्टिकुलरली पी ब्लॉक के लिए ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे देन इट विल बी पर्टिकुलरली यदि हम बोरोन को देखते हैं बोरोन फैमिली से शुरू करते हैं पहली बार ग्रुप 13 से शुरू करते हैं तो इसके लिए आएगा NS2 NP1 ठीक है या नहीं NP1 उसके बाद यदि आप कार्बन पे जाते हो ग्रुप 14 पे यदि जाते हो तो वहां पे आपका कितना निकलेगा NS2 NP2 वेरी गुड NS2 NP2 उसी के हिसाब से आप जब ग्रुप 15 में जाओगे ग्रुप 16 में जाओगे और फाइनली जाके ग्रुप 18 में पहुंच जाओगे तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा NS2 NP6 ओके तो इसीलिए जो आपका पी ब्लॉक होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं NS2 NP126 NS2 NP126 ये होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 ओके यस सबको समझ में आ रहा है किसी का दिक्कत है ओके नेक्स्ट चलो कहां पे चलें बोलो डी ब्लॉक में चलते हैं डी ब्लॉक में बेटा यहां पे थोड़ा अच्छे से याद रखना क्योंकि डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंट्रेंस में पूछता है ठीक है क्योंकि ये थोड़ा जो मतलब क्वेश्चन कौन सा आता है सब टाइम या नहीं क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है जो याद नहीं रहता है वो एग्जाम में आता है या जो याद रहता है वो एग्जाम में आता है ठीक से याद नहीं रहता है वो एग्जाम में आ जाता है ठीक है तो इसीलिए इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से याद रखना देखो तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट विल बी N-1D 1 to 10 देन NS0 to 2 ओके N-1D NS0 to 2 ठीक है पता चल रहा है सबको yes, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट N-1D 1 to 10 NS0 to 2 ठीक है तो कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दिया होता है NS1 to 2 कहीं पे दिया होता है N-1D 0 to 10 इस तरह से मतलब वो आपको दिक्कत डालेगा ऑप्शन में ठीक है ताकि आपको सब ऑप्शन इक्वल जैसा दिखे ऐसे आपको ऑप्शन अरेंज किया जाएगा कि सब ऑप्शन आपको इक्वल जैसे दिखेगा ठीक है तो बच्चे वहीं पे गलती कर देते हैं तो अच्छे से याद रखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज N-1D 1 to 10 NS0 to 2 ओके ठीक है चलो ए ब्लॉक एलिमेंट में चलो ए ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट एनीवन किसको आइडिया है एनीवन हैविंग एनी आइडिया N-2 N-1D 0 to 2 N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2 वेरी गुड ओके तो देखो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बोल रहे थे लेकिन दिमाग में उनका क्या था
डाउट आ रहा था सर, वन से टू होगा या जीरो वन होगा, इस तरह से डाउट आ रहा था, ठीक है। इसीलिए जो डाउट है उसको क्लियर करो, मतलब दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट रहो, दो चीज पता है उसमें क्लियर कट रहो, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n माइनस टू एफ, एन माइनस टू एफ, वन टू फोर्टीन, वन टू फोर्टीन, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, जीरो टू वन, अच्छे से याद रखो जीरो टू वन, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसको वेरी करके पूछा था एंट्रेंस में। सो जीरो टू वन, देन एन एस टू, फाइनली एन एस टू, एन माइनस टू एफ, वन टू फोर्टीन, एन माइनस वन डी, जीरो टू वन, देन एन एस टू। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। किसी को कोई दिक्कत कहीं पे, किसी को डाउट है? नो सर। सर हेलो, यस सर, यस, नो डाउट, आगे चले। ओके, जोरे को सुना जाओ नहीं मते। सर यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रे जे कोहा गला कि n माइनस 1 d 0 टू 1 सेटा बुझ गेलनी बेटा, n माइनस 1 d d ऑर्बिटल रे इलेक्ट्रॉन संख्या 0 रु 1 भीतर रहइबो, दैट मच d ऑर्बिटल d जो रहिला तमरा सबसेल n माइनस 1 d सबसेल सेथिरे इलेक्ट्रॉन संख्या 0 रु 1 भीतर रहइबो इन योर ए ब्लॉक, जतेटा भी एलिमेंट्स अछि ए ब्लॉक पई यदि समस्तंगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लक्ष्य करइबो तबे इलेक्ट्रॉन संख्या डी सब सेल रे 0 रु 1 भीतर रहइबो, आइदर 0 होतबो नहले 1 होतबो, बुझियला, आइदर 0 होतबो नहले 1 होतबो ताटो अधिका जीवनी। सो एटा ही बुझिबा जिंस सर, लांथनड एक्टिनाइड रे ए ब्लॉक रे, हां ए ब्लॉक पई आ की अछि किला, ए ब्लॉक रे तमर लांथनड एक्टिनाइड्स अछंदी ना, एक्टिनाइड्स पे 0 टू 2 हे, को जगह रे 0 टू 2 हे, माने देखथिले गेल को कोटा देखि जो कोनो कोटा हमर को एलिमेंट रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए एनसीएड देछि तो माने से जो येड लांथनोड एक्टिनाइड पे खाली दे देजी लांथनोड टाले दे देजी 4f n 5d021c62 और एक्टिनाइड रे जे 5f n 6d022 7s2 सेटा जो तुमते वर्तमान कहउजो जोरा तोरा 0 टू 2 देखउची, दैट इज सम एक्सेप्शंस आर देयर, से विषय कथा आबा बुझउची, बट जनरल इलेक्ट्रॉन बुझउची यस सर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज योर n - 2 f 1 टू 14 n - 1 d 0 टू 1 एंड n s 2 चला, सो पर्टिकुलरली दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यस सर। एन सेट रे देई छी 0 टू 2 देई छी कहउजो सर, 0 टू लेखे छी किंतु सेथरे गोटे भी एलिमेंट किंतु माने th जोटा एटा 6d2 अछि, तुदार जोटा करेक्ट फॉर्म ता एन सेट रे सेटा देखिस तो जोटा तरो करेक्ट ठीक आछि लेटेस्ट एडिशन ता नाडा पुना आरो छोटे। अच्छा अच्छा, ताकु कोन करिवु एन सेट रो जोटा हमर नेट रो मिलछि सेटा हमर डाउनलोड करो, देखिबा सेथरे करेक्ट करिके सन देइछन ना नै सर, थोरियम ता भी रे अब 6d2 सर, थोरियम ता खाली 6d2 अछि आउ सब वाला अछि 6d1 बस, थोरियम थोरियम ता तमरो एक एक्सेप्शन अछि जेतो त पढ़ेबि पर्टिकुलरली ब्लॉक विषय से त कोइ ताने जिंसटा, ओके किछि प्रॉब्लम नै नो सर, वेट करो वेट करो, सब जिंस को आबो व्यस्त न होबो, अनेक जिंस अछि सब जिंस गोटे सीरियली को आबो ना हो बुझियौ जी, आ सब जिंस गोटे घंटा भीतर दे परबि कि, वेट करो सब जिंस गोटे जिंस क्लियर होबो, ओके वेट जेतो चैप्टर कंप्लीट हे जबो दैट आई थिंक एनीथिंग जति कि तमे गोटे यदि एमसीक्यू बॉय धरिबो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस यू कैन डू, एति कि गारंटी मु तमे देई परबि जे जदि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर इफ यू विल होल्ड एनी एमसीक्यू बुक मार्केट रे जते टाइम एमसीक्यू बॉय मिलुची, इफ यू विल होल्ड एनी ऑफ द एमसीक्यू बुक यू कैन सॉल्व 80-90% क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन कथा कहि परबिनी कारण 10% क्वेश्चन रे तमे ब्रेन ऊपर डिपेंड करछ तमे त केमते एनालाइज करछ क्वेश्चंस, किंतु जति कि बेसिक्स क्वेश्चंस अछि जति कांसेप्ट बर्तन पढाओ जे सेति कांसेप्ट को लेके तमे त करि परिवो तेतरे के जे डाउट नै एति गारंटी मु नै जाय पर यस सर, बुझियला, आ गोटे पिला माने मन रखिताओ ए ब्लॉक रे एलिमेंट्स मानन को जेतु ए ब्लॉक कथा पढी छी कहि दउ छी, सो ए ब्लॉक एलिमेंट्स को आप बोलते हो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, क्या बोलते हो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, यूरेनियम के बाद जो आता है एलिमेंट उसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है यस सर, ओके so these are the important things nothing else, okay sir, sabko samajh mein aaya yes sir, anyone having any doubt pura free se bolo ki sir ye hai to isko karo karoge to thoda chemistry mein hamara acha hoga,
फ्रीली आप फीडबैक दे सकते हो एनीवन ए स्टूडेंट जो हो वो क्या दिक्कत हो रहा है आपको एक एक करके पूछते हैं थोड़ा वेट कर लो चले जाएंगे ब्रजेश सर सर बाबा बुझी पालो जा पढ़ा हला अच्छा कोडी कोन डाउट हला को जगह धरी पालोनी आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रे टिके डाउट होतो नै आगे सर अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रे बाबा पिला मानको मु जो प्रकार बुझे सन बुझ जन सन सेई बडा करचोंदी त गोटे काम करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन न तमे मागी नबो जो मन सब वीडियो ड्यूटी रे अछन तांको मागीबो सेन दे देबे सेटा तमे नेले सेई क्लास टे देखि नबो जदी तापर बुझि न हला ताले मु देखिबा कोन करिवा हो हला ओके साहिल सर आपण कोजने डाउट पचरा पचालट कोजने सबर करू क्या तो दी मिनट आ उडे पाई पचारी उ डाउट आ वेट करिवु न हो का कौन डाउट आ छु को सबर का फल मीठा होता है बोलो ऐसे डाउट किछ नाही सर कौन डाउट कोई ना सान को डाकी आनलो आ को जो डाउट सान नाही क्या सबर करो कहले ना आपण प्रथम कोजने कोन बुझिन पाले पचरा आमे जदी पचाइलो थोरियम आपण कहले रोहित बुझा हबो व्यस्त नाही अच्छा आउ 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 को जिन सडा डाउट रहला थोरियम डा सर कहले रुवा बोली आउ आउ सर गोटा अछि काली काली रो पचार सेरम डा सेरम कोन सेरम जो एक्सेप्शनल केस बुझि पालिनि सेरम माने सेरम जो एटॉमिक नंबर 58 एटॉमिक नंबर 58 सेरियम अच्छा ओ सही तरह कौन डाउट कौन आला काली रो माने बुझी पाले नी कौन तरह डाउट कौन आला व्हाट इज द डाउट काली क्लास वाला पर मु से गुडा बसी देखुतली मोर सब मन पहिले जे गुडा केम दिख माने काई कौन एक्सेप्शनल कारण के यार रीजन जा मन पहिले हां ठीक अछि ए डाउट रो बाहर कर रखी था जोरा मते पचार लो लांथा नाम सेरियम ए सब डाउट रखी जो से सब डाउट कड़ के रख काली मते क्लास आरंभ पर पचारिबो काली क्लास आरंभ पर मते पचारिबो ताको डाउट जंदी न रहे लांथा नाम सेरियम जदी कहउछ ताको पछारियो मते खाली क्लास आरंभ रो ओके ए ब्लॉक एलिमेंट्स ऊपर है जहां सब एक्स्ट्रा जिंस अछि खाली आगे डिस्कस करबी तापर आगु जिबा ओके एनीवन कार आगु डाउट रहि लागि सर हेलो सर यस सर आपन एके जो ए ब्लॉक एलिमेंट को कहले ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कोन छै After the uranium, okay, the elements after the uranium, they are coming. They are known as the trans uranium elements. The particularly uranium poor is, jo elements mane amar aschanti, samano ka amar trans uranium elements boli kua dauchi ho kon. Okay, so that is like a jemdi ame kouche representative element, bujhiyuchi transition elements, inner transition elements. Sebula jehetu uranium poor aschi, to trans uranium boli taku kua dauchi. Sir, A block ta inner transition element re bhi jani ki? ओडा ए ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स रे आगे हां सेतर तो जाउ छी ए ब्लॉक त हम कहली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोली हम त कहू छे आगे ओके एनी नेक्स्ट थिंग ओके जो मन सब नुवा स्टूडेंट अछ जो मन को जदी के डाउट अछि देन ग्रुप रे पोस्ट करबो केमिस्ट्री ऊपर से सब जिंसोडा क्लियर करबा चेष्टा करबा ओके ब्रजेश सर सर ओते कहली काली से सेरियम लांथानम जा सब कहू छ ताको नेके आसीउ फर्स्ट क्लास रे पचारियो मते सेटा मोर ने ओ तो जार भी हो तो जार हो तो कहिलु माने सार क्लियर करना जे माने नेके आसीउ नेक्स्ट क्लास रे आगे तो कथा पचारीबी पढी के आसीउ ए ब्लॉक रो जा पढाई छी जति मु पढे सेति पढी के आसीउ जा डाउट अछि आगे नेके आसीउ ताको ओके एलिगेशन इज नॉट ओके केमिस्ट्री क्लास माने 100% नो एलिगेशन दरकार स्टूडेंट मानो गोटू जदि एलिगेशन आसीला माने आगे ताकू क्लियर करा जीवो नॉट ओनली इन माय क्लास बट आल्सो विद्यासार क्लास टोटली यदि स्टूडेंट माने तरफ एलिगेशन आसीला जे नो सर डाउट क्लियर होउनी देन डाउट नै केसो आई एम आस्किंग यू अगेन डाउट नै केसो फर्स्ट क्लास रो अधा घंटा मु केवल डाउट क्लियर करबी जहार जहा डाउट अछि नै केसिबो पर्सनल डाउट आइदर मते पठाई दियो क्लास पूर्व रे नले क्लास टाइम रे एवरीवन समस्तम दिया गला अधा घंटा खाली डाउट सेशन रहइबो
ओके देन आफ्टर दैट जहां नुवा जिंस पढाया कथा पढा हबो बट बिफोर दैट अधो घंटा डाउट सेशन रहबो तो जहार जहां अछि एनीथिंग जति जे पढाई जी नॉट जे सबु नि केसिबो जहां पढाई जी जति जे